बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉजल रिसर्च, द स्टडी इन विच द रिसर्चर वांट्स टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वन और मोर प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड अ कॉजल स्टडी। इसमें रिसर्चर क्या करता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। अगर हम ये कहें कि ए वेरिएबल की वजह से बी में चेंज आया है और अगर हम ए को चेंज कर दें या रिमूव कर दें तो बी यानी कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर ए क्या है, कॉज है, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, और बी जो है वो अफेक्ट है क्योंकि ये डिपेंडेंट है ए पर और ए अफेक्ट कर रहा है बी को। कॉजल रिसर्च का मेन पर्पस क्या होता है, कॉज और अफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द अफेक्ट ऑफ रीब्रांडिंग इनिशिएटिव ऑन द कस्टमर लॉयलिटी, कि कंपनी ने जो है वो प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर दिया है तो उसका कस्टमर पर क्या अफेक्ट होगा। इसके अलावा, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ देयर कंज्यूमर्स टुवर्ड्स द चेंजिंग प्राइस ऑफ देयर गुड्स, दे यूज कॉजल रिसर्च। एक कंपनी ने जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर दिया है और अब वो ये देखना चाहते हैं कि उस प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर्स के बिहेवियर पे क्या अफेक्ट आया है। सो यहाँ पर कॉज क्या है, चेंजिंग प्राइस ऑफ गुड्स, और अफेक्ट क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। सो प्राइस ऑफ गुड इज इंडिपेंडेंट व्हाइल कंज्यूमर बिहेवियर इज डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज प्राइस इज अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजल रिसर्च। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।